वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे मशहूर अभिनेत्री निर्देशक नीना गुप्ता जी के बारे में, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ, उनका फिल्मी करियर ग्राफ कैसा रहा, अभी वो क्या कर रही हैं, उन सब के बारे में। तो दोस्तों, उनका व्यक्तिगत जीवन जो है उन्हां से स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो असली नाम है वो नीना गुप्ता ही है और ये अभिनेत्री और निर्देशक हैं। इनकी जन्मतिथि 4 जुलाई 1954 दिल्ली भारत में हुआ और इनका गृहनगर दिल्ली भारत हुआ। और स्कूल और विद्यालय जो उन्होंने की है वो लॉरेंस स्कूल सनावर हिमाचल प्रदेश, और शैक्षणिक योग्यता संस्कृत में ये परास्नातक हैं, एमफिल हैं। तो दोस्तों, इनकी पहली डेब्यू आई थी ये नज़दीकियाँ 1982 में और टीवी कलाकार खानदान 1985 में। इनकी शौक और अभिरुचि है खाना बनाना, नृत्य करना। ये विवाहित हैं दोस्तों, इनकी विवाह की तिथि 15 जुलाई 2008 यूएस में ये दूसरी शादी की थी। दोस्तों, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी रहे हैं। इनके पहले पति विवियन रिचर्ड्स जो क्रिकेटर थे और विवाह की तिथि 1989 थी, और तलाक की टाइम जो थी वो 1989 थी। और विवेक मेहरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे विवाह किया इन्होंने दोबारा 2008 में। इनकी एक बेटी है मसाबा गुप्ता जो फैशन डिजाइनर है, और ये विवियन रिचर्ड्स की से इनकी बेटी हुई है। दोस्तों, इनके जो पिता हैं उनका नाम आरन गुप्ता, और इनके पसंदीदा अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना। पसंदीदा अभिनेत्री हुई इनकी हेमा मालिनी, और पसंदीदा कलर इनका रेड है। पसंदीदा संगीतकार गीतकार इनका लता मंगेशकर। और दोस्तों, ये मुंबई रहती हैं, और नीना गुप्ता एक अनुभवी अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया। वर्ष 1982 में उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने हिंदी फिल्मों जैसे दृष्टि, उत्सव, रिहाई, कारनामा, जुर्म की हुकूमत, बलवान इत्यादि में कार्य किया। दोस्तों, उन्होंने गांधी 1982, द डिसीवर मिर्जा, गालिब इन कस्टडी और कॉटन मैरी जैसी भारत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने फिल्म का लायक में माधुरी दीक्षित के साथ लोकप्रिय गीत में भी उन्होंने अभिनय किया। दोस्तों, 1993 में उन्हें बाजार सीताराम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 1994 में उन्हें फिल्म वो छोकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में उन्हें टीवी धारावाहिक सांस में निर्देशन और अभिनय किया। वो न केवल हिंदी सिनेमा के लिए बल्कि मलयालम सिनेमा के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो दोस्तों, नीना गुप्ता का जो बच्चा है, जो इनको बच्चा हुआ वो शादी से पहले ही हुई थी। विवियन रिचर्ड्स की से शादी इन्होंने बाद में किया। पहले ये माँ बनी, फिर ये इन्होंने शादी की, फिर इनका डिवोर्स हो गया और ये फिर दूसरी शादी की। तो इस तरह से ये मुंबई में रहती हैं। इनका फिल्मी करियर ग्राफ बहुत ही अच्छा रहा, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा और लग्जीरियस रहा। दोस्तों, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को इन्होंने बहुत ही बिंदास तरीके से जिया और आगे जीती रहेंगी। तो इन भगवान इनको कामयाबी दे, स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दें और हम लोगों के लिए अच्छी अच्छी धारावाहिक और फिल्म बनाए। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो नीना गुप्ता जी के बारे में जानकारी दी आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।